फुरकान तू बस पास ही रहना। एक लाइन बनाओगे? एक लाइन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा आप सबको पता है, आज सुबह से हमारे पास कुछ फोटोज आई थी सोशल मीडिया के थ्रू। कुछ स्कूल के बच्चों ने काफी इमोशनल बातें लिखी थी चिनार्स के बारे में, जो सरकार की तरफ से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और फ्लाईओवर की वजह से यहाँ पे जो बड़े खूबसूरत, मुझे इनकी एज का कोई अंदाजा नहीं है, बट यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि 200 साल पुराने चिनार हैं जो काटे जा रहे हैं, दो कट चुके हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि आगे जो चिनार आप देख सकते हैं, वो जो खड़ा है अभी, जब तक इनकी जो तलवार है वहां तक पहुंच जाए, उससे पहले हमारी कौम जाग जाए। क्योंकि ये चिनार जो है, ये हमारे लिए खाली दरख्त नहीं है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमने कुछ स्कूल बच्चों को यहाँ जमा किया, जिन्होंने सुबह बात की थी सोशल मीडिया पे कि हमें कुछ करना चाहिए। सरकार के पास काफी अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसा आप सब लोगों को पता है, रामबाग जब स्टार्ट हो गया फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, तो इन लोगों ने, जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे उस फ्लाईओवर के, वहां के रेजिडेंशियल एरियाज थे और सोलना मार्केट के जो ट्रेडर्स थे, उनको अकाउंट में नहीं लिया और फ्लाईओवर का काम शुरू किया। और आप नतीजा देख सकते हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, एक जनरेशन गुजरने वाली है और वो फ्लाईओवर अभी तक तैयार नहीं हुआ। और उसी चीज का सामना हम अब सेंटर लाल चौक में करने वाले हैं। जैसे हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल तरक्की होनी चाहिए जैसे हर जगह होती है, लेकिन चिनार की कीमत पे नहीं। ये क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो हमारी पहचान है, ये खाली दरख्त नहीं है, ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है। जैसे आप यहाँ पे जो देखते, जब जीरो ब्रिज से हम लाल चौक की तरफ आते हैं, आप देखिए कैसे बेदर्दी से दो चिनार के पेड़ों को काट दिया गया है। मैं दिखा रहा हूँ आपको दो चिनार कैसे काट दिए, जबकि बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये जो यहाँ से पार्क या कोई ग्राउंड जा रहा है, अगर यहाँ से 10 फीट काट के रोड डाइवर्ट हो जाती, फ्लाईओवर डाइवर्ट हो जाता, बट इन लोगों ने अपनी मनमानी करके चिनार के पेड़ यहाँ पे काट दिए हैं। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे बच्चों में कितना अहम गुस्सा है, और बाद में ये लोग बोलते हैं कि इनको नाराज क्यों होते हैं। जब वजूहत आप क्रिएट करोगे नाराज होने के, तो हमारी यही दरख्वास्त है कि अगर दो हम बचा नहीं पाए, दो चिनार, बहुत खूबसूरत चिनार के जो दरख्त थे, तो वो चुकी एरिया कूता शु नंग गुमुत ये नजरी पे आज सोरे बट डेजर्टेड फीलिंग वो। अगर नई इस युम हे बचे कि मगर कम से कम बुथन तक बड़ चिनार जम ग स्टूडेंट बहुत सत भाई साहब कहाँ से आए आप? अलैकुम जी, मैं लाल बाजार से हूँ, श्रीनगर से ही हूँ। जोर से थोड़ा। सो आई केम टू नो दैट ये चिनार ऐसे काट दिए जा रहे हैं। ये चिनार, ये पेड़ नहीं है, ये हमारी पहचान है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ऐसे चीज, ऐसे दरख्त काटे जा रहे हैं जो कि हमारी बस दरख्त नहीं, जो कि हमारी एक पहचान है, फिर वो वक्त भी दूर नहीं कि जो ये चिनार है, ये पेड़ है, ये बस लोगोज और रिप्रेजेंटेशंस के नाम पे दिखाए जाएंगे। एक्चुअल में चिनार होगा क्या, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। एंड इज टू, आई कैन से दिस इज टू रेडिक्यूलस। अब देखो कि गवर्नमेंट, मैं सुनता हूँ गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स कैसे दिए, और वो भी एक फ्लाईओवर बनाने के लिए। कश्मीर, अगर आप रामबाग देखोगे, एक जनरेशन बीत गई मगर कोई फायदा नहीं आया। वी कांट अफोर्ड इट। यू कैन सी कि हमारे चिनार की हालत क्या है आजकल। सरदार जी, एक हमारे यहाँ पे प्रदीप सिंह, प्रदीप कहाँ से आए आप? मैं यहाँ से नगर से हूँ, बेसिकली आई बिलोंग टू, मैं भुशोस। क्या काम करते हैं आप? भुशोस कोशर, बुकार कोशर पर कात। बिल्कुल, तो करक कोशर से क्या जाओ के तन चोस ना कमा कर आ कांगे ना भवन आका सुदी जगे। ये हम, ये के सन इज्जत लूटे, ये सीधा हमारे साथ, ये जो बोलते हैं रेप, ये हमारी जो विरासत थी उसका रेप किया गया है। हमारी सरकार जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लोग टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो ब्यूटीफुल पार्क बना रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारी विरासत है, ये हमसे संभाली नहीं जाती है। तो हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो घरों में बैठ के आराम कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी सामने इज्जत लूटी गई है। ये नहीं कहूँगा कि चिनार का दरख्त काटा गया, हमारी सीधा इज्जत लूटी गई है। और अगर आपको शहर को ब्यूटीफुल बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, क्या जो ऑलरेडी हमारी विरासत है उसको ख़त्म करके आप बनाना चाहते हो? तो
मैं सरकार से कहता हूं अगर यहां पे जो चिपको मूवमेंट हर एक लोग ने पढ़ा, हर एक ने पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट जो बाहर शुरू किया गया था, अगर ये नहीं रोका गया तो याद रखो हम कश्मीर में भी चिपको मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। यहां पे आप दरख्त नहीं कटेंगे, हमारे लड़के कटेंगे। यहां पे काफी सारे बच्चे आए हैं, मनान है यहां पे। मनान आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूं, आर्टिस्ट हूं। आपको किस चीज ने मजबूर किया यहां आने पे? जब मैं सुबह यहां से आई वाज वॉकिंग बाय, बाय द वे ऑडियंस में बताना चाहूंगा कि मनान पहला जो नौजवान है जिसने मुझे मैसेज किया, बोला जावेद भाई आप हर चीज पे बात करते हो लेकिन इसके उस छोटे से मैसेज ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आज ये इशू उठाऊं। हमने पहले भी बहुत सारे इश्यूज उठाए रोड सेफ्टी पे, एजुकेशन पे, लेकिन मुझे लगता है ये चीज जो है ये सबसे जरूरी है क्योंकि इसके साथ हमारा वजूद जुड़ा हुआ है, हमारी एग्जिस्टेंस जुड़ी हुई है। मनान थैंक यू सो मच हमें जगाने के लिए और उस आपके उस कीमती मैसेज के लिए। हम ये दो चिनार के दरख्त तो नहीं बचा पाए लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो तीन चार और हमें दिखाई दे रहे हैं हम उनको एटलीस्ट बचाने की छोटी सी कोशिश करेंगे। क्या मैसेज है आपका गवर्नमेंट के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए खासकर? मेरा मैसेज एक तो यही है, जब उनको लोगोज बनाने होते हैं अपने तो पहले हमेशा लोगोज में चिनार ही डालते हैं थोड़ा जोर, तो जब वो लोगोज बनाते हैं अपने गवर्नमेंट का, हर कोई इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट कोई भी नया होता है सेटअप तो उसमें से चिनार का लोगो वो पहले डालते हैं, तो उसके लिए उनका अपना यूज होता है टू अट्रैक्ट द पब्लिक, क्योंकि हमारा सेंटिमेंट चिनार के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स अ पॉलिटिकल सेंटिमेंटल आइडेंटिटी और ये उसी को खत्म करे। व्हेन दे टॉक अबाउट गौरक्षा एंड ऑल दैट स्टफ वी कैन बी चिनार रक्षक फॉर इट। बिल्कुल, मनान का कहना है कि अगर वहां बाहर दूसरी स्टेट्स में गांव रक्षक पैदा हो सकते हैं हमारे यहाँ चिनार रक्षक जन्म लेंगे इंशाल्लाह। आमिर है सीईओ कार्ट फूड के, हमारे जो एक स्टूडेंट है एक्टिविस्ट है। आमिर क्या मैसेज है आपका सरकार और सिविल सोसाइटी के लिए? जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पिछले साल जो अभी 5 साल हो गए रामबाग का फ्लाईओवर अभी कंप्लीट नहीं हो गया, प्लस जो ये 5 साल 10 साल अगर ऐसी मॉडर्नाइजेशन चाहिए हमें जहाँ हमें एनवायरनमेंट को त्याग देना है तो हमें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। और जो ये फ्लाईओवर है ये क्लियरली जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए रखा है क्योंकि ये डायरेक्टली गुप्का रोड के लिए कनेक्टेड है, इससे लोकल सोसाइटी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी है ये गुप्का टू सेक्रेट है, ये जो भी गुप्का टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट। आमिर साहब का कहना है कि ये जो है ये सरकार के फायदे के लिए है, आम इंसान का इसमें बहुत कम फायदा है। और अगर हमारा फायदा आप टेक्निकली अगर देखेंगे जो फ्लाईओवर बनाने में लैंड यूटिलाइज होती है उतनी गाड़ियां उस लैंड पे वैसे भी चल सकती हैं, फर्क चीज के तौर पर जो पिलर बना ग्राउंड, हवास में और यहाँ जैसे आप ये ग्राउंड देख रहे हो अगर ये दरख्त काटने के बजाय इन्होंने ग्राउंड के बीच में से कुछ किया होता शायद वो फिर भी काबिले बर्दाश्त था। हमारे साथ आर्टिस्ट हैं ताहा नकाश जिनको ह्यूमरस कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब फेसबुक पोस्ट देखे इनसे रहा नहीं गया, ये भी अपने घर का कॉजी एटमोसफेयर छोड़ के यहाँ हमारे पास खड़े हैं। ताहा क्या मैसेज है आपका? मैसेज ये है कि जो हो रहा है गलत है, जैसे कि हमने आज तक सुना है अनपोज तेलिए लिवान पोज, बिल्कुल, मगर बोर्ड नहीं पर सरकार बोर्ड पे जब तक पेड़ है तब तक इंसान, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान कहाँ रहेंगे? कालू पगा छू रूद आसान तू ही पूछू क्या गो कशीर, जब आपने ऐसे पेड़ काटे आप यहाँ से भी रोड ले सकते थे, ये खाली VIP मोमेंट के लिए बना रहे रोड और कुछ नहीं। जैसे किसी एक व्यूअर ने कहा था कि ये जो है गुप्कार और सेक्रेट को कनेक्ट करने का एक जरिया है बस और इससे आम इंसान का कोई फायदा नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि और लोग यहाँ पे बात करें। अगर मेरे साथ यहाँ हैं हमारे हमीद साहब जो हैं ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इनको हमारी जो यंग जनरेशन है ट्री मैन के नाम से जानती है। इन्होंने जो रहीम ग्रीन्स का काम किया है 1 लाख से ज़्यादा पौधे अभी तक लगाए हैं, तो हमारे जहन में पहला इंसान यही था। एक दोस्त ने मीडिया फैटर से बासित भाई उन्होंने कहा कि ये जो छोटा सा हम पीसफुल यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं हमीद साहब की प्रेजेंस के बगैर ये इनकम्प्लीट होगा। हमीद साहब तुम्स के मैसेज मतलब बराबर सड़क पर पहली बात ये है कि ये जो आप अगर इस ट्री की तरफ देखेंगे ये कम से कम 150 साल पहले लगा होगा, ठीक है, जिन बुजुर्गों ने इसके लिए मेहनत की है आज उन्होंने उनका जो है एक किस्म का समझ लीजिए कि कत्ल किया है उन्होंने। लेकिन अगर आप अगर सरकार को सड़क का एक्सटेंड ही करना था तो इसको इनको डिवाइडर बना के इधर से रास्ता ले सकते हैं, अगर आप दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा सड़क बन जाता और 100 साल के लिए प्लान बन जाता। आप देख सकते हैं जैसे बाहर एक पौधे की एक मामूली पौधे की वजह से सड़क बदली जाती है। मुझे लगता है कि वो इंसानों में बात की जाती है, शायद यहाँ गवर्नमेंट में इंसान नहीं है हैवान रहते हैं और वो लोग ज्यादातर इसके जो है ना जिम्मेदार हैं, जो इसमें जो डिपार्टमेंट इससे वाबस्ता है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है या जंगलात का डिपार्टमेंट है, जो रोड्स वाले हैं उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इस मामले में। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके खिलाफ
डेली प्रोटेस्ट करना चाहिए जब तक ये नहीं रुकेंगे रोकने के लिए। हम लोगों को एक ह्यूमन चेन बनानी चाहिए। कल हमको जरीफ अहमद जरीफ साहब को भी लाना चाहिए। मुझे लगता है हाथ दिन हमें आधा घंटा इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए जब तक हम सरकार को जगाएंगे नहीं। अमित साहब, हमें बहुत अफसोस है, हम ये दो पेड़ बचा नहीं पाए। अगर शायद उनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन की फिक्र होती, मुझे लगता है जो यहाँ पर जो IAS अफसर होंगे या KS अफसर होंगे जो भी होंगे, शायद उनको गहरत आ जाएगा इसको देख के कि उनको अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक स्टूडेंट है फरियाल, फरियाल बांडे। फरियाल, क्यों आए हो आप, कहाँ से आए हो आप? मैं HMT से। HMT से, इतनी बारिश के बावजूद घर से निकलना, व्हाट फोर्स यू टू कम आउट टुडे? बिकॉज़ चिनार इज आवर कल्चरल हेरिटेज, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी शुड कम फॉरवर्ड एंड सेव इट, इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन जस्ट लेट गो ऑफ, यू नो। थैंक यू फरियाल। आपका नाम? डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, आप RTI एक्टिविस्ट हैं, आपका क्या मैसेज है सिविल सोसाइटी? बिकॉज सरकार से हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें करना चाहिए, बिकॉज हमारे साथ जो कुछ हुआ है आज तक, जो हालात यहाँ पे हैं वो हमारे तौकात के खिलाफ ही हैं, बट मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जगाना चाहिए इस हमारा जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, इसको बचाने के लिए। आपका क्या मैसेज है? आप यहाँ आ जाएं थोड़ा। देखिए, जहाँ हम बात करते हैं चिनारों को बचाने के लिए, वहाँ सबसे पहले हमें टारगेट करना है जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं, उनको कचहरी में खड़ा करना है, क्योंकि जो प्लान बनाते हैं और उनका जो सबसे घटिया और निचली सतह का प्लान होता है जिसमें ट्रीज काटे जाते हैं, हम तो कहते हैं कि महाराजा के वो कानून चिनार बचाने के लिए सबसे बेहतर थे, जिसमें 80 यार्ड दूर कोई भी कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी थी, मतलब 80 यार्ड के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करती थी, चिनारों से बर्फ हटाया जाता था। और दूसरा, चिनारों के लिए जो पहला महकमा था कि उन्होंने बनाया है, उन्होंने इनामात दिए थे उन लोगों का। मैं करेक्शन करना चाहूँगा, ये 500 साल पुराना चिनार है, 150 साल पुराना नहीं है। तो सिविल सोसाइटी जो यहाँ अपनी रिलेवेंस खो चुकी है, शायद वो कन्फ्लिक्ट भी उसका एक रीज़न है। तो इस वक्त मैं मीडिया बरादरी से, स्टूडेंट्स से, क्योंकि ये जो टर्मोइल होता है, ऐसा सरमाया हमारा हड़प या ख़राब किया जाता है टर्मोइल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, और उसी दौरान वो चाहे यहाँ के वाटर रिसोर्सेज का सौदा करना हो, माउंटेन्स का सौदा करना हो, यहाँ के नदियों का सौदा करना हो, सिर्फ टर्मोइल में होता है। तो सबसे पहले जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो इंजीनियरिंग विंग है, जिन्होंने ये प्लान बनाया है, ये रोड, इन चिनारों को रोड के दरमियान रखा जा सकता था, उस साइड भी रोड बढ़ाया जा सकता खाली ग्राउंड है उस तो जो नाअहल इंजीनियरिंग यहाँ है उसमें हमारा सबसे पहला जो वार होना चाहिए, और सिविल सोसाइटी को बाहर आना चाहिए, स्टूडेंट्स को बाहर आना चाहिए, जो हर रिवोल्यूशन का एक ताकत होता है, और आगे आए और इन चिनारों को फर्दर बचाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा था, वो दिन दूर नहीं है, अगर हम लोग आज जाग नहीं जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जब ये चिनार के पत्ते जो हैं सिर्फ सरकारी इनामात में, अवार्ड्स में, ट्रॉफीज में, मेडल्स में और सरकारी लोगोज में दिखाई देंगे। जी, हमीद साहब की तरफ में फिर एक बार कैमरा घुमाना चाहूंगा। बताइए, सरकार अभी पिछले 1-2 साल से बोल रही है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो ये स्मार्ट सिटी में आता है कि नहीं आता है ये? और ये जो मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो IAS और KS करके ये चीज़ें जो है ना इसको अप्रूव करते हैं कि चिनार काटने के लिए, शायद उनको एहसास नहीं थी ये 100 साल पुराना ट्री है, और ये कौन लगाएगा? और नहीं, ये कौन लगाएगा और कैसे कब हमारे पास आ जाएगा? सोशल मीडिया पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कुलसा लागो नहीं मगर रोड बनन, हमने रोड को मना करते हैं, आप यहाँ देख लीजिए, आप दिखा दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ से रोड एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा दूर जाके दिखाना चाहूंगा, जब हम जीरो ब्रिज से आते हैं, ये जो राइट साइड में है JK बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस है, और सेंटर में एक डिवाइडर बनाया जा सकता था, और डिवाइडर के अंदर ये चिनार्स का जो अलाइनमेंट किया जा सकता था, और ये जो फ्लाईओवर या सड़क जो भी बन रही है इसको यहाँ इस ग्राउंड के बीच में से, जिससे कोई चिनार का पेड़ एटलीस्ट, क्योंकि हम दरख्त काटने की बात नहीं कर रहे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये वजूद का कटाव हो रहा है, क्योंकि चिनार के साथ हमारे जज्बात हैं, हमारी रेजिस्टेंस है। चिनार और अल्पाइन ट्रीज, ये आम दरख्त नहीं है, नहीं है। ये 500 साल पुराना दरख्त है, और जो अल्पाइन ट्रीज है उनका लाइफ शेल्फ भी है 300 साल से ऊपर, तो ये उनका सवाल है कि वही जो हमारा वजूद है उसका सवाल है ये।
حمید صاحب اور کیا بتانا چاہیں گے؟ بس مجھے ایک چیز بہت ضروری کہنی ہے کہ شرم آتی ہے ان آفیسروں کو جو اتنا کوالیفائی ہونے کے بعد کمپنسیشن لینا چاہیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دیکھیں ہماری کیا اور جنہوں نے اپروو کیا. ہماری ایڈمنسٹریشن میں ہر جگہ بیوروکریسی میں ایک آئی اے ایس اور کے ایس افسر ہوتے ہیں, ان کو کیا شرم نہیں آتی اس کو دیکھ کے؟ اور ان کو ایک پلان نہیں بنا سکتے اس سائڈ میں جو ہے نا, اس سائڈ سے روڈ ایکسٹینڈ کر کے اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اگر یہ وہ سفید کا ہوتا تو شاید ہم بولتے کہ ٹھیک ہے کاٹ لیجیے, لیکن یہ 200-300 سال پرانے ٹریز ہوتے ہیں, یہ کاٹنے میں ہمیں لگتا ہے یہ ہم اپنے بزرگوں کے جو ہے نا ان کے جذبات کو آج ٹھیس پہنچا رہے ہیں. تُہ چھو یتن یت سوسیٹڈ تہد کیا ون یہ بون چٹم یتن یہ سان ثقافت حصہ اخذ یہ معمولی کل کی مطلب یہ فریس تو ڈون کل کی یہ بون یت من سن پہچان یت من سن وراثت یت من سون وجود تھی ایز اے عام انسان تہ کیا تہ تکلیف گا یہ بون کل ٹھٹ تہذ کیا میسج سرکار سول سوسائٹی مطلب بالکل غلطی کرو کہ بون ٹچک یہ اچھی شہجار یت نسن بالکل یہ اخ شوب یہ شوبہ وڑو سڑک بن تو مگر کلی ٹھٹ کل بون ٹٹان السلام علیکم تہ ست ہس بہ کت کر تیت یت ست ایسوسیٹڈ تھی کیا گاڑی چلانا اچھا ٹورزم کیا تہن تہ کیا واقع کال میان کھت زیادہ وابستگی یت ست تہ باسان یہ ٹٹن یہ جائز بالکل میرے ساتھ فرقان ہے فرقان کچھ کہنا چاہیں گے اس جو یہ چنار کے درختوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے یہاں پہ بہت بے رحمی سے یہ پہ ونی کم تین وون یہ باسان زن بھائی سن لاش پمت یتن مے باسان بالکل یہ تکلیف گسان یم سات کا پنن مران ہاں بالکل دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کیسے سڑک پہ گرے ہوئے اور روڈ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے کھلا ہوا ہے جدھر اچھا لگ رہا تھا پہلے ادھر بہت اچھی گرینری لگ رہی تھی پہلے اور دیکھیے عجیب لگ رہا ہے جسے لگ رہا ہے کچھ بنجر سا زمین ادھر ہے تو ایسا میرے کو نہیں لگتا ایسا صحیح تھا گورنمنٹ کو کرنے کے لیے جیسے حمید صاحب نے کہا ادھر سے پیچھے روڈ ایکسٹینڈ کر دیتے منان تو میں گورنمنٹ آفیشلس کہیں پہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ول پرووائڈ منی فار دا پلانٹیشن آف اراؤنڈ 100 or 1000 چنارز میں ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کا پلان ہے 14 چنارز کاٹنے کا ہمیں 10 ہی 600 سال پرانی چنار دے دو ہم بولیں گے چلو کاٹ ہمیں 10 اکویلنٹ 600 سال پرانی چنارز دے دو آپ یہ 14 چنار کاٹ سکتے ہو ہمیں 1000 سال ہمیں 1000 سال پرانی ہمیں کوئی 1000 چنار نہیں چاہیے نئے ہمیں 10 ہی 600 سال پرانی چنار دے دو بالکل تمہن ہیریٹیج کلین پہ بالکل علاج نہال ہے ہمارے ساتھ جو ویری پاپولر کیپٹیویٹنگ کشمیر گروپ ہے یہاں کا جو یہاں کے انٹرپرنرز ٹوریزم کلچر آرٹ ہیریٹیج میوزیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں نہال خود اس جو درخت کے ساتھ ہیں ایموشنلی جڑے ہوئے ہیں نہال آپ کا کیا میسج ہے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے یہ دیکھ کے آئی ایم فیلنگ ڈسگسٹڈ میرے لیے ایک ہی ورڈ آئی ایم فیلنگ ڈسگسٹڈ فار دی اتھارٹیز اور جنہوں نے ٹاؤن پلاننگ والوں نے اس کی اشورنس دی کہ بھائی آپ چنار کاٹ دیجیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں ان اتھارٹیز کو آپ جو بھی مطلب چنار کے لیف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ چنار کا لیف ہے کہیں بھی لوگو بنانا ہوتا ہے ان کو کچھ بنانا ہوتا ہے یہ چنار کا لیف دکھاتے ہیں تو میں ان سے اپیل کروں کہ آج سے آپ چنار کا لیف یوز نہ کریں کسی بھی چیز میں کوئی بھی جو بھی آفیشیل اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے وہ چنار کے لیف کو اپنا پن نہ دکھائے چنار کے ساتھ بیکاز یہ ایک یہ بولتے ہیں نا کہ کشمیر کا جب دکھاتے ہیں کہیں سے تو پہلے چنار کا آتا ہے دماغ میں نہیں یہ ٹورسٹ کو دکھانے کے لیے بھی یہی چیز ہے جب ہم اسی کو جو سائٹ سینگ والے آئیں گے سائٹ سینگ والے کیا کریں گے سائٹ سینگ والی بسز ہمارے ساتھ جے ڈی ہیں ینگ آرٹسٹ ہیں کشمیر روسٹ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے انہوں نے جب میسج دیکھا یہ بہت گھر سے دوڑ کے یہاں پہنچ گئے پاس میں ہی رہتے ہیں جے ڈی کا نام ثاقب ہے ان کو پیار سے جے ڈی بلایا جاتا ہے جے ڈی کیا میسج ہے آپ کا کیسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں جانتا ہوں کہ کشمیر میں کچھ بھی کرنا کتنا مشکل ہے یہ پیڑ کاٹنا کا تو چھوڑو ارے بال کاٹنے بھی ہمارے کتنے مشکل ہو جاتے اور یہ پیڑ جو ان کے سپنوں سے اور ان کے سوچ سے بھی پرانے ہیں ان کو کیسے کاٹ کے ابھی پھینک دیا ہے جیسے ابھی میں 10 لوگوں کی لاش دیکھ رہا ہوں اتنا برا مجھے لگ رہا ہے اور کوئی بات نہیں یہاں پہ فلائی اوور بنا روڈ بنا ارے سب ٹھیک ہے گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے پہلی جب میری مونچھیں تک نہیں آئی تھی تب سے کام چل رہا ہے پچھلے فلائی اوور تک مجھے لگتا ہے جب تک میری شادی ہوگی میرے بچوں کی شادی پہ بارات پہ جب گاڑیاں نکلے گی تو اس پہ وہ فلائی اوور کام آئے گا اور پھر گھومنے کے لیے جب سیکرٹریٹ تک
फ्लाई ओवर एक बनेगा तो उस पर वो बच्चे घूमने जाएंगे, उनको कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। अरे बहुत अच्छा काम कर रही है, बनाने दो, काटने दो। और ये स्ट्रैटेजी जो है ये इंजीनियर्स की नहीं, ये हमारे गवर्नमेंट की है। जो भी बीच में आए काट दो। ये स्ट्रैटेजी तो मैं भी बना सकता हूँ यार, मैं एक बी कॉम का सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस बेकार में ऐसे ही बिठा के रखा है। तो इंजीनियर जो हमारे हैं काबिल काबिल गवर्नमेंट जो कि इतनी मुझे लगता है डोनेशन देके फिर इंजीनियर बने होंगे और इतने काबिल बने हैं कि गवर्नमेंट के इतने अच्छे सिविल इंजीनियर हमारे बने हैं किस लिए? ये मुझे बोलेंगे रोड बनाओ, मैं बोलूंगा रास्ते में जो भी आएगा काट दो। फिर वो क्या कर रहे हैं उनमें और मुझमें फिर फर्क क्या रही है? अरे मैं बोलता हूँ इंजीनियर की कोई गलती नहीं, ये पूरी गवर्नमेंट की है कि जिनका एक पुराना है। जो भी बीच में आएगा काट दो, इंसान हो पेड़ हो। यहाँ पे एक जो जो हमारे एक वॉलंटियर है यहाँ पे मनान, मनान ने एक फोटो दिखाई है, आप गौर से इस फोटो को देखिए। ये जो फोटो है इंटरनेशनल किसी हाईवे की है और एक बहुत मामूली सा पेड़ दिख रहा है हमें इस फोटो में, और इस फोटो की वजह से इन्होंने 180 डिग्री जो है राउंड लेके अपना जो रोड है, आप हमीद साहब आप देख सकते हैं ये मतलब कितने मामूली कुल खतरज आमुद दूर सड़क फोटो दिखाऊंगा अभी। मेरे साथ सिविल इंजीनियर है, क्योंकि मनान जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि हाँ जावेद भाई आप बताओ, अगर आप यहाँ पे कहते हो कि नहीं पेड़ नहीं काटने थे, आपके पास क्या अल्टरनेटिव था? तो यू एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए बडिंग इंजीनियर, आप अगर यहाँ पे होते आप क्या करते? बिकॉज दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। पहले कितने साल हुए हमारे यहाँ पे काम चलाते हुए, कोई ट्रैफिक जाम, यहाँ तो ट्रैफिक जाम होता ही नहीं। ट्रैफिक जाम होता है तो मेन हाईवे पे होता है, अथवाजन में जो स्क्वायर है वहाँ पे होता है। अगर वहाँ पे इससे छोटा फ्लाई ओवर बनाते डाइवर्जेंस के लिए वहाँ पे, और यहाँ पे टाउन प्लानिंग पहले ही होनी चाहिए। स्पेस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ से देखिए यहाँ से इसका ट्रिपल साइज का बनता फ्लाई ओवर, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसका ज्यादा फायदा तो ब्यूरोक्रेट्स को होगा, पॉलिटिशियंस को होगा, क्योंकि मगर शर्म आती है जो पढ़े लिखे होते हैं इतने बड़े इनिशिएटिव से पढ़ के आते हैं और वो लोग ये सोचते नहीं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दाऊद एक एक्टिविस्ट है जो काफी लिखते हैं, ब्लॉगर हैं, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं। दाऊद क्या है आपको, लाइक हाउ डू यू फील? आप काफी टाइम बाद घर आए और मुझे नहीं लगता इससे बुरा कोई वेलकम हो सकता है, दो दिन हुए आपको, हाउ डू यू फील अबाउट इट? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि मैं एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक ताज़ियत पे आया हुआ हूँ। सो आई एम एक्चुअली मॉर्निंग, इट्स एज इफ सम एल्डर हैज़ डाइड इन माय होम। एक्चुअली ये ऐसे हमारे चिनार्स ऐसे हैं जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं ताज़ियत कर रहा हूँ वो हमारी गवर्नमेंट की ज़मीर है जो बिल्कुल मर चुकी है। सिर्फ जैसे पहले भी बता चुके हैं कि लोगोज़ और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं लेकिन एक्चुअल कॉन्शियंस इज डेड एंड दे ओनली वॉन्ट टू स्टील आर आइडेंटिटी एंड रॉब अस ऑफ आर एवरीथिंग एंड देन लीव अस नेकेड। तो मुझे नहीं पता ये इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है या इट्स जस्ट सिंपली रोड वाइडनिंग का इशू है, बट लीविंग अस रॉब्ड ऑफ आवर चिनार्स इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और हमें चाहिए कि पूरी कोशिश करें कि एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी को बचाएं क्योंकि चिनार के बगैर हम कुछ नहीं। थैंक यू सो मच दाऊद। बासित जी हैं हमारे जो फ्री प्रेस कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, पड़ोसी हैं मेरे, मैंने दरख्वास्त की कि आपका फर्ज बनता है क्योंकि हमारे जो जर्नलिस्ट साहिबान हैं बहुत ज्यादा थक चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते करते। पिछले 30 सालों से इन्होंने सिर्फ जुल्म देखे हैं, लाशें देखी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी इस दर्द का एक हिस्सा है और ये जो मेरे लिए किसी लाश से कम नहीं है। जैसे दाऊद ने कहा ये लग रहा है कि किसी ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हुई है और हम यहाँ रोने ताजियत मनाने हैं। बासित, व्हाट डू यू वांट टू से? यू आर एक्चुअली राइट, दिस इज एक्चुअली अ डेड बॉडी एंड वी हैव टू मॉर्न इट। नाउ यू सी देयर आर मेनी पीपल आउटसाइड कश्मीर, फ्रेंड्स, यू मस्ट आल्सो हैव फ्रेंड्स, and I'm sure you know that they come here and take this. Main darkhwast karunga sab log ek chinar ka patta haath mein uthaye, please. They come here and take this. They take it as a souvenir. They take it, they preserve it. And we have it in abundance. Kitabon mein rakh ke sajate hain bookmarks ki tarah. And this is what we are doing with it. Not we, this is what the government is trying to do with it. Can you imagine a guy coming from the southernmost tip of the country coming here and taking this and going back and showing it to their friends that look what I have. How many times has Shah Rukh Khan taken this in his hand and wooed girls? Log background mein aa jayenge. All right? So, do something about it. If they don't do, we have to do. Anik, aap mein se koi aur kuch kehna chahega? If I miss somebody. Anik. Aaj protest to sahi dar aindh mein kiye.
बिल्कुल श्रीनगर म्यूनिसपैलिटी निबर के टाउन प्लानिंग ظریف صٲب تیٖتۍ سٲری یِن یِم تہِ چِنارن لَو چھِ کَران یِم ٹریٖزَن لَو چھِ کَران یا نیچرَس لَو چھِ کَران تِم یِن سٲری أسۍ کَرو پروٹیسٹ بَٹوار سَر محبت کانٛہہ اَندازٕ ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ روٗدٕ مٔنٛزۍ وٕنکیٚنَس گَرِ نیرُن چھُنہٕ سارنٕے خٲطرٕ حظ مُشکِل چلو أسۍ چھِ مٔزوٗر اِنسان أسۍ ٲسۍ سَڑکو پٮ۪ٹھٕے نَژان أسۍ وٲتۍ ییٚتٮ۪ن مگر ییٚتہِ چھِ واریاہ سٹوٗڈَنٛٹ تُہۍ وٕچھِو لۄکچہِ بٔچی زٕ چھِ یِم گَرِ پٮ۪ٹھ درٛایہِ فیس بُک میسیج اَکھ وٕچھِتھ نہ أسۍ واتو ییٚتٮ۪ن أنیٖک یہِ چھُ آمُت نِہال صٲب مہراز دعوت ترٛٲیِتھ أنیٖک کیسا لگ رہا ہے بھایی آپ کو لایک کیا میسیج ہے آپ کا گورنمنٹ کے لیے اور اس ایجنسی کے لیے ان نا اہل انجینئرس کے لیے جنہوں نے جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے یہ جو مثال ہے یہیں پہ رہنی چاہیے اس کو یہاں سے اٹھانے نہیں دینا چاہیے بیکاز دس از دا ڈیتھ آف آر ایگزسٹینس انیک آپ کیا کہنا چاہو گے honestly speaking matlab mujhe nahi lag raha matlab this is of red color I think it was just like a blood yes, I know that yes the same tree is not like a blood yes, but I think matlab rang jaisa hai aap dekh sakte hai na red matlab honestly I was just one armor guard me aisa masla hai matlab main seedhe aaya main seedhe yahan pe utra the armor told me matlab this thing matlab seedhe utra the protest simply protest nothing kuch aur nahi matlab first of all jo engineer jis mein mulawal hai مطلب انہوں نے مطلب اگر چلو ٹھیک ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے مطلب میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ یہ جو یہاں پہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے گھر کی بات ہے یہ ہمارے وجود کی بات ہے جیسے آج انہوں نے دو درختوں کو کاٹ دیا بہت بے رحمی سے ایک اور دو ہم نہیں چاہتے ہیں آگے وہ تیسرا درخت ٹارگیٹ بنے اور ہم چاہیں گے پیچھے آلریڈی دو کٹ چکے ہیں پیچھے ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے وائٹ گاڑی کے پاس جو درخت ہے وہ کٹ چکا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ اور درخت کاٹ لیں اتنی بے دردی سے اور شاید ان کے اندر کا وہ ضمیر جاگ جائے کہ نہیں اگر یہ چھوٹے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے اور یہ تکلیف جو ہے آگے بڑھ کے بہت بڑا ناسور بھی بن سکتی ہے کیونکہ یہ پھر سے میں لاسٹ ایک بار کہنا چاہوں گا یہ بس ایک درخت کے لیے نہیں ہے بٹ یہ ہمارے وجود کے لیے ہماری پہچان کے لیے ہماری ثقافت کے لیے ہے میں پھر سے ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے آپ پلیز موبلائز کریں لوگوں کو والنٹیئرز اور تیار کریں جیسا کہ میرے لیے یہ خون سے کم نہیں ہے یہ جو ریڈ کلر کا یا کیا بوس شیت ونا یہ بالکل باسان خون ایک انسان سند ووتمت آپ جوائن کرنا چاہیں گے بہت ایک ایکسائٹنگ چیز یہ ہے اس کیمپین کو لے کے کہ لوگ یہاں گاڑیاں روک کے پوچھ رہے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے درد کا احساس سب کو ہوتا ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ثاقب ہے تھوڑا زور ثاقب صاحب کیا کرتے ہیں آپ جی سر میں ایسی مارکیٹنگ کر رہا ہوں میڈیکل ایجنسی آپ نے کیوں یہاں پہ بائک کھڑی کر دی میں نے بھی دیکھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بہت سارے آپ کو کیسا فیل ہوا یہ چنار کا 500 سال پرانا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے چنار کا درخت ہے یہاں پہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ ہمارے جو ہے کشمیر ہے اسی سے بنیاد ہے ہماری یہ جو ہمارا کشمیر ہے انہیں پہ پلا ہے کیونکہ یہ سبزار جو ہماری کشمیر کا ہے یہی تو اس سے خوبصورتی زیادہ بڑھتی ہے آپ کا کیا میسج ہے سرکار اور سول سوسائٹی کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ یہ غلط ہے سراسر غلط ہے کیونکہ یہ جو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس سے ماحول بھی خراب ہوتا ہے ماحول ہی نہیں بالکل یہ جو یہاں پہ آس پاس کا جو ماحول ہے وہ بھی غلط ہی ہے اور یہاں پہ غلط کیا ہے انہوں نے حمید صاحب أسۍ کرو پنٕنۍ پٲٹھۍ حظ شُرۍ پٲٹھۍ کم ایفٲٹس کرو أسۍ مگر اسہِ اگر کٲنٛسہِ بٔڑۍ سُنٛد اَتھ آسہِ نا کَلَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھُو واریاہ کٲم کٔرمٕژ ایفارسٹریشن خٲطرٕ کُلۍ لاگنہٕ خٲطرٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ تہِ درخواست کران تُہۍ کٔرِو پَنٕنٮ۪ن سٔرکَلن منٛز یہِ کَتھ ٹریڈ سٔرکَلن منٛز کیٛاہ یہِ چھُنہٕ أکۍ سٕنٛزٕے پرٛابلِم حظ کیٚنٛہہ بالکل اس کے لیے کہ اگر ان کا جو ہے سمارٹ سٹی کی بات کر رہے ہیں کیا یہ سمارٹ سٹی میں آتا ہے کہ نہیں آتا اس پکو جس یہ اکھ کُل ترٛیٚیِم چھُ ٹارگیٹ بنان وول اتن تُلو أسۍ اتھ سۭتۍ ہیومن چین جواب کہ اگر ہسا تُہۍ ونان چھُ اسہِ چھُ سمارٹ سٹی بناوُن کیا یہِ چھا سمارٹ سٹی منٛز اکھ حصہٕ بالکل اگر یہِ سمارٹ سٹی ہُنٛد حصہٕ چھُ تیٚلہِ ہیٚتِن سُہ پیپرس منٛز یہِ تتھ منٛز چھُ بوٗنۍ تہِ ژٹُن تتھ منٛز چھُ کُل تہِ ژٹُن یِم ہیٚکن یہِ یوٗٹِلایز کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ زَن یہِ بَچایہِ اَسہِ یہِ کُل بَچایہِ
بنیادی طور پر ہاؤن خطر کس تعلیم چنار روز اگر تھی چنار نیس حساب کرو تھی اگر پگہ مطلب ہوں ان ڈپارٹمنٹس چنارس کتنا ڈپارٹمنٹ چنارس کس ڈپارٹمنٹ فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ کرو تم آر ٹی آئی آج برو پانچ ویری کتیا چنار آج کتیا چنار تو تہ کتیا لگو نئے کتیا لگو تہوار نئے لگے پتم زو ترے ورے گئے میرے لاگان زور چنار لگ بی ناظرین پکان یت تریم بون کن یہ ثورم انفیکٹ زیرو برج پہ یوتن تان یت خطرہ اس بیاکھ نشان یہند یسان کہ ایٹ لیسٹ سن یہ لکٹ کوشش اس یہ کھڑے ہو جا سب پلیز کوشش کر اس یہ تریم بون یہ گھس نہ ٹھنن کی تو یم خطرے سے اس یہ کوشش اس آئی یتن اس کر کت سوشل میڈیا تھرو اگر نہ انٹرنیٹس آسا یمو ہور بند کورمت خبر زیادہ کریک ناد ما گسہ زیادہ لوک ما واتان یتن انٹرنیٹ بین کے باوجود تو وچھو کم سے کم 10 و نفر یتن جمع گمت فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف سٹوڈنٹ چھ بزنس مین چھ جرنلسٹ چھ ڈاکٹر صاحب چھ تو انجینئر تہ چھ اس یتن اس چھ ویسان کہ اس یہ ٹرین چھ اگر تہ کنفیوژن آس یلی اس تھری ویز پٹ واتان چھ یتن ڈل گیٹ کن اکھ وات چھ نیران اخ گسان لال چوک کن یور کارپوریٹ آفس اس یہ تریم بون اس یسان کہ یہ تریم بون گھس بچن یہ تریم بون گھس نا ٹٹ یہ لکٹ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون یمو آلریڈی ژٹمس اس یسان کہ ایٹ لیسٹ یہ تریم خوبصورت بون گھس بچن حمید صاحب بیس یسان کیا تھی ون ہم کو ایک مشن بنانا چاہیے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ چنار بچنا چاہیے اور ہم اس کے ارد گرد میں جائیں گے نہیں جسٹ ہم اس کے آگے جو نا ارد گرد میں ایک ہیومن چین بنائیں گے اور ہم سرکار سے شور بنائیں گے ساری چین کر یہ روٹیٹ کیمرہ اور یہ بچائیں گے ہم چنار بچائیں گے ہم اس کو پوچھو نا اس کو پوچھو چنار استاد جی چٹک بونیا چٹک تو بنائیں یہ چین پلیز آپ ایک چین بناؤ تھی وچھو لوک دپان کہ اس بناو اکھ ہیومن چین یت بون اند ہاتھ پکڑو بھائی عامر ہاتھ پکڑو پکڑو یار ہم چھ ونان لوک چھ ونان دپان اس بناو ہیومن چین مگر یہ تریم بون دمو نہ شہید گژھن کین کیاز یہ چھ اکھ انسان سن شہید گژھن یہ چھ اکھ انسان مرن یہ چھ بالکل ناس یہ چھ بالکل سراسر یہ چھ ظلم یہ چھ قتل عام سانی ثقافتک سانی ہیریٹیج ہند بہ کر چکر اس اس کرو 100% شور کہ یہ تریم بون دمو نہ شہید گژھن کین انشاء اللہ یت پٹ اس پنن جوانن ہند خطر کھڑا چھ گسا اس گسو یمن بونن خطر کھڑا بوس یت بی چکر کران استانن پٹ کیازی بون چھن کن استان کھت کم کی میان خطر تو کریو انداز یا نہ کریو مگر واللہ چھ گسا دگ چھ وتھا یتن وتھ کچھ ہم اس پہ لگائیں گے اس کو کم سے کم بچائیں گے بالکل دگ چھ وتھا یت چوکس من وتھ یل باسان چھ پگا اس یہ سرکار لتر یت تریم بون لگن واجن بوس بی ایک لٹ درخواست کران ساروین یم یہ ویڈیو وچھان چھ یم بچاون یت بون پٹ پتم السلام علیکم یت پہ پتم زو بون یمو شہید کر یہ تریم بون گھس نہ گھن کی یت چھ مے باسان ٹٹن ون کی یت چھ پتھر پاون ون کی یت چھ ون یہ بون آئی شہید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ چلے کہ آپ کو قیامت 2 سیکنڈ کے بعد آپ کے ہاتھ میں ٹری ہے آپ کے پاس پلانٹ ہے وہ آپ اسی ٹائم لگے اس کا ثواب برابر مل جائے گا اسی طرح ہم اس کو بچائیں گے اور ہم انشاءاللہ جنت کے جو ہے نا انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وجہ سے عامر ادھر سے ایک فوٹو لے آجا عامر اپنے فون سے فوٹو لے فوٹو لے کران سنس میڈیا درخواست خاص کر گریٹر کشمیر رائزنگ کشمیر اسٹوڈینٹس یہاں پہ ٹیوشن چھوڑ کے آئے ہیں فرنٹ کریں گے اور ہم یہاں پر کھڑا کریں گے جس کا مقصد یہی رہا کہ ہم چنار کھڑنے نہیں دیں گے ہندوستان میں گاؤ رکشک اس کے بنا منان صاحب ہونا اس بناو چنار رکشک نہیں بولیں گے ہم اس کو سیو چنار کہیں گے بالکل محافظ چنار یہ اسٹوڈنٹ آمت آپ کہاں سے آئے ہو جی ہم بمنا سے آپ کیوں آئے یہاں پہ پاگل ہو کیا کوئی کام نہیں تھا تمہیں نہیں ایکچولی انوائرمنٹ بچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو سر میں نے ان کو صرف کرنا بولا کہ ہمارا چنار کٹ رہے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوا سب یہاں پر آ گئے بالکل اور اسٹوڈینٹس ہیں یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکوٹرس روک کے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے یہ چنار کا درخت کٹتے ہوئے دیکھ کے یہ بہت غلط کر رہے ہیں
इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एनवायरमेंट का हिस्सा है, हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है, ये कैसे इसको काट सकते हैं? आपका क्या कहना है इस चिनार के पेड़ को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आइडेंटिटी है कश्मीर की, और दूसरी बात कल्चर है, कल्चर तो खत्म नहीं हो सकता। सो ये एक हिसाब से हम अगेंस्ट कल्चर है कश्मीर के लिए। सो सेव चिनार सेव कश्मीर। मैं फिर से आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं आप सबको एक बार फिर से इनसे तारुफ कराता हूँ। ये जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने अहद ले लिया है, कमिट किया है, ये इस तीसरे चिनार को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम इस तीसरे चिनार को कटने नहीं देंगे। हम चाहेंगे हमारे साथ और लोग जुड़ें, और लोग, और हमारी दरख्वास्त है मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, ग्रेटर कश्मीर हैं, हमारे राइजिंग कश्मीर के शुजात साहब हैं, या फिर हमारा कश्मीर रीडर है, सब लोग मिलजुल के एक आवाज़ में, एक हेडलाइन में इन चिनारों को बचाने की एक पूरी कोशिश करें, एक जुद्दोजहद करें, और जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। फिर से मैं आपके चेहरे दिखाता हूं, ये जितने भी लोग यहां आए हैं इस तीसरे पेड़ को बचाने के लिए, हम कोशिश करेंगे ये तीसरा पेड़ एटलीस्ट हम बचा पाए। जज़ाकअल्लाह। चिनार जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, 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 सेव कश्मीर, सेव चिनार, सेव कश्मीर, सेव चिनार, सेव कश्मीर, सेव चिनार, सेव कश्मीर, सेव चिनार, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, चिनार जिंदाबाद, चिनार जिंदाबाद, चिनार जिंदाबाद, चिनार जिंदाबाद।